हेलो स्टूडेंट्स, सो बीकॉम फाइनल ईयर इनकम टैक्स हम लोग पढ़ रहे थे। इनकम टैक्स में आपका चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के बारे में पढ़ रहे थे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के बारे के सारे रूल्स हमने देख लिया था, सैलरी के बारे में जान लिया था, बेसिक सैलरी के बारे में जान लिया था, अलाउंसेस के बारे में जान लिया था, कैसे क्या करना पड़ता है, परक्यूसिट्स के बारे में हमने जान लिया था। हमने बात किया था टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर ऑल इम्प्लॉयज़। टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर क्या देख लिया था हम लोगों ने, ऑल इम्प्लॉयज हमने देख लिया था, सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। ठीक है, हम आज आपको बताने वाले थे परक्यूसिट्स के बारे में बताने वाले थे, सुविधाओं के बारे में बताने वाले थे कि ऐसी परक्यूसिट्स तीन टाइप की होती है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर ऑल इम्प्लॉय, दूसरा टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर स्पेसिफाइड इम्प्लॉय, और तीसरा टैक्स फ्री परक्यूसिट्स फॉर ऑल इम्प्लॉयज। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर स्पेसिफाइड इम्प्लॉय। आज हम लोग स्पेसिफाइड इम्प्लॉय के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं ये स्पेसिफाइड इम्प्लॉय, सवाल उठता है क्या होते हैं स्पेसिफाइड इम्प्लॉय। हम अब डिस्कस करेंगे, आपको जो फॉर्मेट हमने आपको सेंड किया था उसका पेज नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं, पेज नंबर 11 देख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, पेज नंबर क्या देख लेना आप लोगों ने, 11 देख लेना। रूल्स वगैरह को अच्छे से दिमाग में बैठाना सीख लो, और अच्छी बात है अगर दिमाग में बैठाना आ गया होगा तो। ठीक है, तब हम देखेंगे स्पेसिफाइड इम्प्लॉय। ठीक है, कौन होता है स्पेसिफाइड इम्प्लॉय। देखिए, ये जो मैं सुविधाएं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ टैक्सेबल किसके लिए होता है, स्पेसिफाइड इम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है। बाकी कोई भी इम्प्लॉयज अगर रस्ते में आते हैं तो उनके लिए ये टैक्स फ्री है। ठीक है, देखिए तो अपन बात करेंगे टैक्सेबल परक्यूसिट्स। टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर स्पेसिफाइड इम्प्लॉय, स्पेसिफाइड इम्प्लॉय यानी स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल होगा। बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि ये बंदा स्पेसिफाइड है, ये जो जो इम्प्लॉय है वो स्पेसिफाइड है। देखो, ऐसा कोई भी इम्प्लॉय अगर उनमें से तीन, उस इम्प्लॉय में तीन गुण होते हैं या तीनों में से कोई एक गुण भी होते तो वो स्पेसिफाइड कहलाएगा। पहला मालूम क्या, सबसे पहला होता है सैलरी। सैलरी सैलरी इज रुपीज 50,000 पर एनम। सबसे पहला सैलरी उसका एटलीस्ट सैलरी जो होगा उसका कम से कम 50,000 पर एनम होगा, और मोर देन 50,000 रुपीज़। मतलब किसी भी इम्प्लॉय का सैलरी, कोई भी इम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर साल भर की सैलरी 50,000 या 50,000 से क्या होती है अधिक होती है तो वो स्पेसिफाइड इम्प्लॉय कहलाता है, और अगर 50,000 से कम होती है तो फिर वो स्पेसिफाइड इम्प्लॉय नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड इम्प्लॉय कहलाता है। अच्छा, अब सवाल होता है सर ये सैलरी में कौन सी सैलरी होगी, सैलरी का मतलब क्या होगा, क्या बेसिक सैलरी होगी या अलाउंस के टाइम पे जो अपन सैलरी देते थे वो ले होंगे। नहीं, यहाँ पर सैलरी का मतलब होगा जो परक्यूसिट्स के टाइम पे आप सैलरी लेते थे ना वो सैलरी होगा। क्या लेते हैं परक्यूसिट्स के टाइम, हम लोग परक्यूसिट्स के टाइम सैलरी लेते हैं। सैलरी का मतलब क्या होता है वहाँ पे, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस बट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर साधारण डियरनेस अलाउंस है तो फिर उसको अपन नहीं लेते हैं, प्लस ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन एंड अदर रिसिप्ट इन कैश। ये किसमें था, अपना परक्यूसिट्स वाले में सैलरी का मतलब ये हुआ करता था, वही यहाँ पर होगा, वही क्या होगा यहाँ पर होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स, अगर मान लो वो कंपनी का डायरेक्टर है, कोई कंपनी है और उस कंपनी में अगर वो डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, अगर उस कोई कंपनी में क्या है वो बंदा डायरेक्टर है तब भी वो स्पेसिफाइड इम्प्लॉय क्या कह सकता है, कहला सकता है। और तीसरा होता है अगर वो इम्प्लॉई उस कंपनी में 20% होल्ड करके रखे, कितना 20% इक्विटी शेयर्स, अगर उस कंपनी के 20% इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा हुआ है तब भी वो स्पेसिफाइड इम्प्लॉय कहलाएगा। यानी तीनों में से कोई गुण या तीनों में से कोई एक गुण भी अगर उसमें है तो क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड इम्प्लॉय। और यार आज के डेट में देखा जाए तो सभी स्पेसिफाइड इम्प्लॉय है, किसी भी इम्प्लॉय का सैलरी यार 50,000 साल भर का तो आराम से हो जाता है। देखो ना गवर्नमेंट भी क्या रूल बना कर, कब जमाने का रूल को अभी भी चला रहा है गवर्नमेंट को, देखो ना मजाक कर रहे हैं एम्प्लॉई लोगों के साथ, जबरदस्ती का मजाक कर रहा है यार। किसी की भी सैलरी अगर आप आज आप जाके काम करना चाहोगे तो आपको 3,000 या 4,000 की नौकरी तो आपको कैसे भी करके 5,000 की नौकरी तो मिल ही जाएगी, तो क्या हो जाएगा आराम से, आप 5,000 भी कमा रहे हो तो साल का 60,000 तो आप कमा ही लोगे, सही बात है ना। तो यार कहेगा फिर स्पेसिफाइड, सभी स्पेसिफाइड है यहाँ पे, तो चलो ये तो कोई बातें ही नहीं हुई, सभी क्या होगा यहाँ पे स्पेसिफाइड होगा, क्योंकि किसी का भी सैलरी 50,000 से तो ऊपर जाना ही है, और आपको ज़्यादातर क्या देखना है यही देखना है, तो बंदा क्या कहलाएगा स्पेसिफाइड कहला जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपन बात करते हैं कि स्पेसिफाइड में क्या क्या फैसिलिटीज है जो स्पेसिफाइड इंप्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है। देखो यार, नंबर वन, सबसे पहला टैक्सेबल फैसिलिटी अंडर दिस हेड, इस हेड में कौन कौन से टैक्सेबल फैसिलिटीज होते हैं। सबसे पहला होता है फैसिलिटी ऑफ कार, अगर इंप्लॉय को कार दी गई है, क्या दी गई है इंप्लॉय को,
कार दी गई है, मतलब एम्प्लॉयर उसको बुलाता है और चाबी देता है, बोलता है जा बेटा ऐश कर घूम, मतलब कार की फैसिलिटी दे रहा है। तो जितना भी कार का खर्चा होगा वो टैक्सेबल होगा। अब वो कार की फैसिलिटी कैसे निकालोगे बताएंगे, ठीक है। अगला, स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर एंड पर्सनल अटेंडेंट। अगर उसको स्वीपर की, वॉचमैन की, गार्डनर की और पर्सनल अटेंडेंट की फैसिलिटी दी गई है, मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से उसको स्वीपर, गार्डनर और वॉचमैन दिया जाता है, तो जितना उनको सैलरी दिया जाता होगा एम्प्लॉयर की तरफ से उतना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जितना एम्प्लॉयर की तरफ से, यानी एम्प्लॉयर से इस बार आप पूछने जाओगे कि भाई आप स्वीपर, गार्ड, वॉचमैन को कितना सैलरी देते हो, वो बोलेगा भैया मैं 5,000 सैलरी देता हूँ इन लोग को, एम्प्लॉयर, तो उतना उसकी फैसिलिटी की कीमत हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अगला, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अगर उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी गई है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी गई है, तो वो भी 101% क्या होता है, टैक्सेबल होता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब जैसे क्या होता है, रेलवे में भी आप लोग इधर से उधर ट्रैवल करते ना, ट्रांसपोर्ट करते हो, इधर से उधर ट्रैवल करते हो ना, अगर आपको यहाँ से अमृतसर जाना तो फ्री में आपको फैसिलिटी मिलती है, तो ये भी फैसिलिटी टैक्सेबल होती है, ठीक है। स्पेसिफाइड इंप्लॉय के लिए उसको जोड़ा जाता है, उसका जो भी चार्जेस है उसको जोड़ा जाता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। गैस, इलेक्ट्रिक एंड वाटर। अगर उसको फ्री गैस, फ्री इलेक्ट्रिक और वाटर की मतलब उसको सुविधा दी गई है, फैसिलिटी दी गई है, तो वो भी क्या होगा, जितने रुपये का कॉस्ट होगा उतने रुपये तक टैक्सेबल होता है। एंड नंबर 4 or 5, एजुकेशन फैसिलिटी टू द मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉई हाउस होल्ड। मतलब एजुकेशन फैसिलिटी, अगर उसको एजुकेशन की फैसिलिटी दी गई है, एजुकेशन अलावेंस नहीं ना बकायदा एजुकेशन की फैसिलिटी दी गई है, मतलब एम्प्लॉयर बोलता है जाओ वो स्कूल है जाके पढ़ना चालू करो, फ्री में पढ़ो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा, फैसिलिटी दे रहा है ना एजुकेशन की, उसको दे रहा है या उसके घर के किसी मेंबर को भी दे रहा है, उसके बच्चों को भी दे रहा है, तो वो टैक्सेबल में आ जाता है, ठीक है। जो भी फैसिलिटी की वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगी, ठीक। चलिए अब हम लोग बारी बारी डिटेल करते हैं फैसिलिटी का वैल्यू क्या होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया क्या, किसके बारे में हमने डिस्कस किया, कार के बारे में हमने जाना। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने जाना किसके बारे में, कार के बारे में, फैसिलिटी ऑफ कार। फर्स्ट ऑफ ऑल है फैसिलिटी ऑफ कार, ठीक है। तो फैसिलिटी ऑफ कार की बात कर लेते, चलिए फैसिलिटी ऑफ कार। एक एम्प्लॉयर अगर अपने किसी एम्प्लॉय को क्या दे देता है, उसको बदले में कार दे देता है, क्या दे देता है, ये कार दे दिया उसको, ठीक है। ये उसको सीधा क्या दे दिया, कार दे दिया, बोला भैया ये ले कार पकड़ जा तू चला, ठीक, ये कार दे दिया और फ्री में कार दे दिया, बोला चाबी रख चला ऐश कर जा। तो ये होता है फैसिलिटी ऑफ कार, कार की फैसिलिटी दे रहा है। होते कई बार कार वार मिलता है देखना एम्प्लॉय लोगों को, ठीक है। तो सवाल उठता है कैसे इसका कार की जो वैल्यू कैसे निकलेगी, टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी, ये बात करते, ठीक है। तो ये डिस्कस करते, देखो इसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर ने जब उसको कार दिया है तो कार किस पर्पज से यूज कर रहा है, उस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो नंबर वन, पहला कंडीशन ये है कि अगर कार का मालिक, पहले तो ये देखो कार का मालिक कौन है, अगर कार का मालिक कौन है, एम्प्लॉयर है, और ऑब्वियस सी बात है यार एम्प्लॉयर ही कार का मालिक होगा, या तो कार का मालिक एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉयर रेंट पे कार लेता है, कार को हायर करता है और फिर इसको कार क्या कर देता है, दे देता है, बोलता है जा भैया चला, ठीक है। तो कार का मालिक एम्प्लॉयर है, उसने रेंट पे लेके दिया है और वो कार को कैसे यूज कर रहा है, मान लो इस कार को वो 100% ऑफिशियल यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, ऑफिशियल पर्पज से यूज कर रहा है, मतलब ऑफिस के लिए यूज कर रहा है, मतलब उसके काम के लिए यूज कर रहा है, मतलब अपना पर्सनल यूज नहीं कर रहा, अपनी फैमिली को लेकर घुमाने के लिए खूटा घाट या और पानी नहीं ले जा रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, अपने ऑफिशियल पर्पज से क्या कर रहा है, यूज कर रहा है जब वो, समझ में आया। तो जब वो ऑफिशियल पर पूरी ऑफिशियल ड्यूटीज निभा रहा है, इसमें क्या अपने लिए कुछ कर रहा है बेचारा, नहीं, तो उसके फैसिलिटी की वैल्यू नील होगी, तब उसके फैसिलिटी की वैल्यू जो भी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, फिर कोई टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, नील, मतलब कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, आई बात समझ में, कोई टैक्स फैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि भैया क्या वो फायदा उठा रहा है कार का, कार पे तो पूरा ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, तो काहे का फायदा, तो इसलिए इसमें कोई टैक्सेबल नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉयर कार एम्प्लॉय को दे देता है, अब वो कार कैसे यूज कर रहा है, तो देखिए अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार दे देता है और ये 100% इस कार को कैसे यूज करता है, पर्सनल यूज करता है, कैसे यूज करता है, अगर 100% ये बंदा उसको पर्सनल यूज करता है, बिल्कुल भी ऑफिस का काम नहीं करता, पर्सनल यूज करता है, फैमिली को ले जाके मॉल घुमाने ले जाता है, पिकनिक मनाने जाता है, इधर उधर घूमता है, मतलब पर्सनल यूज कर रहा है, ऑफिस के पर्पज से कोई काम नहीं कर रहा है, तब फिर क्या होगा फैसिलिटी का वैल्यू, तब तो फैसिलिटी हुआ ना भैया, तब तो पूरा फैसिलिटी दे रहा है, तब आप कैसे कंप्यूट करोगे। तो बच्चों टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालोगे कार का, तो कार का टैक्सेबल वैल्यू आप लोगों ने ऐसे निकालना है, देखो सबसे पहला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार दिया है तो ये देखा जाएगा कि कार जब दिया है तो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ कार उसको जोड़ लो भाई, जो भी कार का खर्चा है रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ कार का जो भी रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा है वो ले लो, ठीक, प्लस कर दो उसमें
ड्राइवर सैलरी, अगर उसको साथ में ड्राइवर भी दिया गया, अगर ड्राइवर दिया गया तो ड्राइवर को जितना सैलरी दिया जाता होगा साल भर का पर एनम के बेसिस पे, उसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक। इसके अलावा अगर कार का मालिक इंप्लॉयर है, कार का मालिक इंप्लॉयर तो कार के वैल्यू में कभी भी तो आ रही होगी, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी तो खर्चा है ना एक तरह का, तो डेप्रिसिएशन भी अगर है तो डेप्रिसिएशन ऑफ कार, कार का डेप्रिसिएशन जोड़ दो। सर कितना जोड़े, एट द रेट 10% जोड़ दो, जैसे फर्नीचर के लिए नहीं जोड़ते थे वैसे ही डेप्रिसिएशन 10% क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक। या फिर डेप्रिसिएशन होगा या फिर कार का मालिक इंप्लॉयर नहीं है, कार का मालिक इंप्लॉयर नहीं है, उसने किराए पर लिया है तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। फिर भाई किराए पर लिया तो फिर डेप्रिसिएशन का आएगा, तो फिर कार का क्या देगा, वो रेंट देगा, क्या देगा, कार का रेंट देगा, रेंट ऑफ कार, कार का जो भी साल भर का रेंट होगा पर एनम, उसको क्या कर देना, जोड़ देना। मतलब या तो डेप्रिसिएशन या फिर रेंट। डेप्रिसिएशन कब, अगर कार का मालिक इंप्लॉयर है तो भाई वो डेप्रिसिएशन उसका खर्चा हुआ, लेकिन अगर कार का मालिक इंप्लॉयर नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, फिर सीधा क्या होगा, रेंट ऑफ कार। मतलब ये दोनों में इसको एक चीज़ें जुड़ेगी ना, कार का मालिक इंप्लॉयर तो डेप्रिसिएशन, कार का मालिक इंप्लॉयर नहीं है, वो खुद किराए पर लेके दिया तो फिर किराए का खर्चा जोड़ दोगे, डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ोगे, समझ गए, ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक। इतना आ गया, या आ गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार, ठीक है। लेकिन अगर कार के एवज में एनी अमाउंट चार्ज्ड बाय इंप्लॉयर, अगर उसका मालिक यानी इंप्लॉयर कुछ कार के एवज में कुछ पैसे उससे चार्ज करता है, उसके सैलरी से काट लेता है कि भाई तेरे को कार दिया हूँ, ठीक है, तेरे को कार दिया 200 रुपये हर महीने, मैं तेरे के सैलरी से काट ले रहा हूँ, फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो अगर कुछ उसके सैलरी से काटता है तो भाई फैसिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फैसिलिटी के वैल्यू को क्या कर दीजिएगा आप लोग, माइनस कर दीजिएगा, देन फिर आपका क्या निकल आएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार निकल आएगा, समझ में आया। ऐसे फैसिलिटी की वैल्यू क्या करनी है आप लोगों ने, फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक, ओके। अब आगे बदलते हैं अपन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जो बार बार क्वेश्चन में आता है और बहुत लगातार आता है, और यही बात हमारा क्वेश्चन में आएगा, एंड देट इज योर, पन्ना पलटेंगे आप सभी, देखिए इसमें क्या कंडीशन है, समझो, देखो, इंप्लॉयर इंप्लॉई को कार दे दिया, ठीक है सर, इंप्लॉयर ने इंप्लॉई को क्या कर दिया, कार दे दिया, ठीक, और इंप्लॉयर इसको कैसे यूज कर रहा है, वो इंप्लॉयर उसको पर्सनल भी यूज कर रहा है और ऑफिशियल भी यूज कर रहा है, मतलब दोनों काम कर रहा है, मतलब इस कार को चाबी जैसी दिया तो वो ऑफिस का भी काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉयर की तरफ का जो काम होता है उसको भी निभा रहा है, अपनी कर्तव्य को भी निभा रहा है, साथ में पर्सनल भी उस कार को क्या कर रहा है, फैमिली को ले घूमने जा रहा है, मतलब दोनों पर्पज से उस कार को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है इंप्लॉई, ठीक है, ओके। तब कार की फैसिलिटी का वैल्यू क्या होगा, हमने देखा कि अगर कार पूरा 100% ऑफिशियल कर रहा है तो कार की वैल्यू नील हो जाएगी, अगर वो 100% पर्सनल कर रहा है तो कैसे कैलकुलेट करना वो हमने देख लिया, ठीक है, और अगर वो पर्सनल और ऑफिशियल दोनों यूज कर रहा है तब क्या होगा यार, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्राइवेट पर्पज से भी यूज कर रहा है और ऑफिशियल पर्पज से भी यूज कर रहा है, ड्यूटी के लिए भी यूज कर रहा है, तब कैसे करेंगे हम लोग, तब कैसे अपन कार की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तब आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कार के जो खर्चे होते हैं, कार के रनिंग के खर्चे होते हैं, मेंटेनेंस के जो खर्चे होते हैं वो कौन करता है, आपको ये देखना है कार का खर्चा, कार के को मेंटेनेंस का खर्चा, पेट्रोल भराना और आने का काम कौन करता है, अगर वो खर्चा इंप्लॉयर कर रहा होगा, कौन खर्चा कर रहा होगा, इंप्लॉयर भैया साफ साफ बोल दे रहा, अगर वो खर्चा कौन कर रहा होगा, सारे एक्सपेंसेस जो है अगर इंप्लॉयर कर रहा होगा, ये बेचारा कर रहा होगा, मतलब जैसी कार में हवा भी भराना होगा तो इंप्लॉयर के पास दौड़ के आता होगा, भैया कार में हवा भरा दो, तो सारा खर्चा कौन बियर कर रहा है, इंप्लॉयर बियर कर रहा है, उसको ऑयल वॉइल बनवाने का जो भी रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा सब इंप्लॉयर बियर कर रहा है। तब कार की वैल्यू की फैसिलिटी की वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, सुन लो, अगर लार्ज कार है, अगर बड़ी कार है, अगर वो बड़ी कार है तो 2400 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, आप इंप्लॉयर से पूछने नहीं जाओगे कितने रुपये का फैसिलिटी देते हो, सीधा टैक्सेबल वैल्यू कितना निकालोगे, 2400 रुपये पर मंथ आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल दोगे कार का, अगर लार्ज कार है, ठीक है। और अगर कार छोटी है, स्मॉल कार है, अगर कार क्या है, स्मॉल कार है, तो फिर 1800 रुपये पर मंथ के रेट से क्या कर दोगे, टैक्सेबल वैल्यू चार्ज कर दोगे, 1800 पर मंथ के रेट से टैक्सेबल वैल्यू सीधा क्या कर दोगे, चार्ज कर दोगे, इंप्लॉयर से पूछने नहीं जाओगे भैया कितना खर्चा करते हो, क्या रनिंग पे खर्चा करते हो, क्या ड्राइवर को सैलरी देते हो, सब नहीं पूछोगे। लार्ज कार है तो 2400 रुपये पर मंथ, स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे पहचानेंगे कि लार्ज कार है, कैसे पहचानेंगे स्मॉल कार है, देखो स्मॉल कार की जो इंजन की कैपेसिटी होगी ना वो 1.6 लीटर की होगी या उससे लेस होगी, ठीक है, या उससे क्या होगी, लेस होगी, और लार्ज कार क्या होगा, उसके इंजन की कैपेसिटी मोर देन 1.6 लीटर होगी, समझ गए, तो उससे पता चल जाएगा। हालांकि कई केसेस में लार्ज और स्मॉल लिख कर दे देता है, अगर वो लिख कर नहीं देगा तो फिर आपको क्या करेगा, इंजन की कैपेसिटी दे देगा, आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है, तो उससे आप डिसीजन ले सकते हैं कि लार्ज कार है कि स्मॉल कार है, ठीक। अब आप बोलोगे सर ये तो क्या बात हुआ, 100% खर्चे कौन बियर कर रहा है, इंप्लॉयर बियर कर रहा है। अब अगर आप बोलते हो सर कि
अगर 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 खर्चा कौन बियर कर रहा है, इंप्लॉय बियर कर रहा है, तब क्या होगा सर? अगर मान लो इंप्लॉयर बियर कर रहा तो चलो हम सीख गए सर, 2400 रुपये बड़े कार का, 1800 रुपये छोटे कार का पर मंथ है, ठीक है सर, वो टैक्सेबल में डाल देंगे। लेकिन अगर खर्चा इंप्लॉय बियर कर रहा होगा तब क्या करेंगे सर? तब क्या करेंगे सर? तब कुछ मत करना, लार्ज कार है तो 900 रुपये पर मंथ टैक्सेबल वैल्यू होगा, स्मॉल कार है तो 600 रुपये पर मंथ के रेट से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। बिल्कुल 900 रुपये लार्ज कार का 900 रुपये पर मंथ और छोटे कार का 600 रुपये पर मंथ के रेट से क्या हो जाएगा, सीधा टैक्सेबल वैल्यू का क्या, कार के वैल्यू क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, दैट्स इट। ओके ठीक है। अच्छा अब ऐसा भी तो हो सकता है आधा खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, आधा खर्चा एम्प्लॉय बियर कर रहा है, ये भी तो हो सकता है। हमने बोला अगर इंप्लॉयर बियर कर रहा है तो क्या करना, हमने बता दिया, इंप्लॉय बियर कर रहा है तो बता दिया। लेकिन अगर मान लो आधा ये कर रहा है आधा ये कर रहा है, थोड़ा बहुत भी, थोड़ा मोड़ा कोई भी, दोनों मिलके कर रहे हैं, तब क्या होगा? सुनो, अगर ना एक रुपए भी खर्चा इंप्लॉय अगर बियर कर देता है, सुन लो, कार का अगर एक रुपए का भी खर्चा कौन बियर कर लेता है, इंप्लॉय बियर कर लेता है, तो ये माना जाता है कि सारे एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, इंप्लॉय ही बियर कर रहा है, समझ गए? अगर कार का एक रुपए के भी खर्चे कौन बियर कर लेता है, इंप्लॉय बियर कर लेता है, तो माना जाता है कि सारे खर्चे कौन बियर कर रहा है, इंप्लॉय। समझ में आया? मान लो कार का पूरे साल भर का खर्चा 100 रुपये होता है, सपोज साल भर का पूरा खर्चा जो है मेंटेनेंस का 100 रुपये होता है, उसमें से 95 रुपीज ये दिया, 5 रुपये ये दिया, कुछ तो दिया ना, माना जाएगा इसी ने पूरा खर्चा किया है, रूल है कानून का। अगर इंप्लॉयर कर रहा है 100% करे भैया तो ही माना जाएगा इंप्लॉयर बियर कर रहा है, अगर अदरवाइज थोड़ा बहुत भी खर्चा अगर इंप्लॉय कर दिया ना, तो फिर ये माना जाता है कि सारे खर्चे कौन बियर कर रहा है, इंप्लॉय ही बियर कर रहा है, और उसी हिसाब से कार का वैल्यू क्या कर देते हैं, पलो चार्ज कर देते हैं, 900 रुपये और 600 रुपये। आई बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा अगर उसको ड्राइवर दिया गया तो ड्राइवर का अलग से आप लोगों को जोड़ना है, दोनों केसेस में ड्राइवर का सैलरी अलग से जोड़ना है, दैट इज योर 900 रुपये पर मंथ। ड्राइवर का सैलरी कितना जोड़ोगे आप, हमेशा 900 रुपये पर मंथ के रेट से क्या कर दोगे, ड्राइवर का सैलरी जोड़ दोगे। आई बात समझ में कि नहीं आया? ओके सर, हमको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब देखिए अगला केस क्या है, देखो नेक्स्ट केस ये है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कार दिया, लेकिन एक कार नहीं दिया, एक से अधिक कार दिया, दो कार दिया, चलो दो कार दिया, एक से अधिक कार दिया, मतलब कितना कार दिया, दो कार उसको दे दिया, ठीक है, दो कार दे दिया। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा? अभी तक हम एक कार की बात कर रहे थे, अभी यहाँ पे दो कार दिया, तब क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं करना, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी बोले कि वो ऐसे यूज कर रहा है कार को, वैसे यूज कर रहा है कार को, इंप्लॉयर खर्चा कर रहा है, इंप्लॉय खर्चा कर रहा है, सब बातों को इग्नोर करना। जहां तुम देखोगे कि इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को दो कार दिया है, तत्काल आप सीधा क्या करना मालूम, सीधा क्या करना, पहले कार को क्या मानोगे, पहले कार को ना 100% पर्सनल मानना, पहले कार को क्या मानना, 100% सॉरी हाँ पहले कार को 100% नहीं यार, पहले कार को आप बिल्कुल 100% पर्सनल मानोगे, हाँ पहले कार को आप क्या मानेंगे, 100% पर्सनल मान लेंगे, पहले कार को आप 100% पर्सनल मान लेंगे। नो 100 का पहले वाले कार को, सॉरी ना, फिर से बताते हैं, थोड़ा सा हम ध्यान से भटक गया था। देखो दो कार है, अगर दो कार दिया गया तो क्वेश्चन में कुछ भी बोले आप ध्यान मत दीजिएगा, सीधा पहले कार को क्या मानना मालूम है, दोनों मानना, पर्सनल मानना एंड प्लस ऑफिशियल दोनों मान लेना, ये मानना कि पहले कार को पर्सनल भी यूज करता है और ऑफिशियल भी यूज करता है, तो फिर वही वाला लगाना जो अभी सीखे हमने। अगर इंप्लॉयर खर्चा बियर कर रहा है तो 2400 रुपये और 1800 रुपये पर मंथ, और अगर इंप्लॉय बियर कर रहा है तो 600 और 900 रुपये पर मंथ, ओके ये वाला रूल लगाओगे। और बाकी जितने भी कारें हैं, जो बाकी जितने भी कारें हैं, अदर कारें हैं, जो भी अदर्स कार है, उसको आप लोगों को 100% क्या मानना है मालूम, पर्सनल मान के चलना, 100% क्या मान के चलना, पर्सनल मान के चलना। और पर्सनल का जैसे कम कैलकुलेट करते हो टैक्सेबल फैसिलिटी, जो अभी हमने जस्ट सिखाया था, रनिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कार प्लस डेप्रिसिएशन ऑफ कार, रेंट ऑफ कार एंड ड्राइवर सैलरी, तो वैसे ही आप उसको क्या कर देना, ऐड कर देना। क्या सीखे, जब कभी इंप्लॉयर इंप्लॉई को एक से अधिक कार देता है तो पहले कार को क्या मानेंगे, पर्सनल एंड ऑफिशियल दोनों मानेंगे, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे, और दूसरे कार को 100% पर्सनल ही मान के चलना पर लोग को, ठीक है। चलिए समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है, हालांकि आपके फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है, आप देख लेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हुआ हमारा फैसिलिटी ऑफ कार का बात खत्म, ठीक है, फैसिलिटी ऑफ कार का बात क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है सर, यहाँ तक हम क्या हो गए, सीख गए, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्या दिया आपके फॉर्मेट में, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। हाँ भाई, अब आप लोग को दिया होगा मेडिकल फैसिलिटी, देखिए आपके फॉर्मेट में लिखा होगा मेडिकल फैसिलिटी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, मेडिकल फैसिलिटी। क्या होता है, इम्प्लॉय को ना इम्प्लॉयर मेडिकल की फैसिलिटी भी देता है,
कैसे फैसिलिटी देता है, बोलता है देखो भाई तबीयत खराब हुआ, वहाँ पे क्या होता था अलाउंस दे देता था, फैसिलिटी कैसे देगा। मान लो आप, मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे एम्प्लॉई हो, आपके घर आपका तबीयत खराब है या घर में आपके किसी भी फैमिली मेंबर का अगर तबीयत खराब है, तो मैंने बोला ठीक है तबीयत खराब है टेंशन मत लो, ऑपरेशन कराना है, इलाज कराना है, टेंशन मत लो, फलाने हॉस्पिटल में चले जाओ, बेफिक्र होकर इलाज कराओ, ठीक हो कराओ, एक रुपए देने की जरूरत नहीं, सारा चीज़ मैं देख लूँगा, यही बोला मैंने। यानी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मेडिकल की फैसिलिटी दे रहा हूँ, मैं सीधा क्या दे रहा हूँ आपको, मेडिकल की फैसिलिटी दे रहा हूँ, एक रुपये आपका खर्चा होने दे रहा है, लाखों करोड़ों जो भी खर्चा हो मैं दूंगा, ये मैं बोलता हूँ, समझ में आया। तो देखो मेडिकल की फैसिलिटी दो प्रकार की होती है, एक फैसिलिटी इंडिया में दी जाती है, ऐसी फैसिलिटी जो कहाँ दी जा रही है, इंडिया के अंदर में दी जा रही है, इंडिया में मेडिकल की फैसिलिटी दी जा रही है, और एक फैसिलिटी होती है जो इंडिया के बाहर दी जा रही है, आउटसाइड इंडिया, फॉरेन में दी जा रही है, इंडिया के बाहर दी जा रही है। हो सकता है भाई, कई बार होता है ना, कई बार अपन देखे क्रिटिकल केस होता है, पहले शुरुआत इंडिया से होती है, अगर वहाँ पे भी इलाज नहीं हो रहा तो एम्प्लॉयर फिर क्या करता है, इंडिया के बाहर उसको इलाज कराने के लिए भेजता है, होता है ऐसा, ठीक है। तो देखें, तो देखिएगा क्या लिखा है इसमें, देखो मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग, तो अगर मान लीजिए वो इलाज इंडिया में होता है तो आपको देखना पड़ेगा, अगर इलाज की फैसिलिटी कहाँ दी गई है, इंडिया में दी गई है, तो आपको देखना पड़ेगा वो फैसिलिटी कहाँ पर दी जा रही, कौन से हॉस्पिटल में दी जा रही है, वो फैसिलिटी कौन से हॉस्पिटल में दी जा रही है, वो अपन को देखना पड़ेगा। सबसे पहला, अगर ये तीन हॉस्पिटल हुआ, अगर वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ या वो ओन हॉस्पिटल हुआ, मतलब एम्प्लॉयर के खुद का हॉस्पिटल हुआ, पहला अगर वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट है या एम्प्लॉयर के खुद का हॉस्पिटल, मान लो मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरा खुद का हॉस्पिटल है, मैं बोल रहा हूँ जाओ वहाँ इलाज करो, मैं खुद उस हॉस्पिटल का मालिक हूँ, ठीक है, वो हॉस्पिटल हुआ, या तीसरा किसी प्रकार का अप्रूव्ड हॉस्पिटल हुआ, ऐसा हॉस्पिटल जो इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा क्या है, अप्रूव्ड है, लिखा रहेगा क्वेश्चन में, अप्रूव्ड हॉस्पिटल हुआ, क्या हुआ, अप्रूव्ड हॉस्पिटल, अगर फैसिलिटी ये तीनों हॉस्पिटल में से किसी एक हॉस्पिटल में दी गई है, तीनों हॉस्पिटल में से किसी एक, तीनों में तो इलाज नहीं हो सकता ना, तीनों में से किसी एक हॉस्पिटल में भी दी गई है, मतलब हमारे देश में दी गई है, तो आपका जो भी टैक्सेबल वैल्यू होता है फैसिलिटी का, वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, क्या होता है, वो टैक्स फ्री होता है, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता उस फैसिलिटी पे, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को ये तीन प्रकार के हॉस्पिटल में अगर कोई फैसिलिटी दी गई है मेडिकल की, चाहे वो गवर्नमेंट हो, ओन हॉस्पिटल हो, मतलब एम्प्लॉयर के खुद का हॉस्पिटल हो, या फिर क्या हो, अप्रूव्ड हॉस्पिटल हो, तो इस प्रकार के हॉस्पिटल में जो भी फैसिलिटी दी गई है, जो भी कीमत बने, लाखों रुपए बने, करोड़ों रुपए बिल बने, कुछ भी फैसिलिटी का कीमत बने, 100% क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर इससे अदर परे कोई अदर हॉस्पिटल में फैसिलिटी दी गई है, जो तीनों में से कोई एक भी नहीं है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल तीनों में से कोई एक भी नहीं है, 100% जितना भी फैसिलिटी का प्राइस होगा, जितना बिल बनेगा, जितना एम्प्लॉयर पेड करेगा, समझ में आया, एम्प्लॉयर जितना एम्प्लॉयर उसका बिल क्या करेगा, पेड करेगा 100% भैया टैक्सेबल हो जाएगा, याद रखना, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, कोई छूट नहीं मिलेगा, 100% अमाउंट विल बी टैक्सेबल, पूरा का पूरा टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, कोई छूट वूट नहीं मिलने वाला। ओके ठीक सर, सीख गए हम, बहुत अच्छे से हम सीख गए, ठीक है। अगला बात करते अपन, अच्छा सर अगर आउटसाइड इंडिया में की जाती है, अगर खर्चा कहाँ किया जाता है, आउटसाइड इंडिया में किया जाता है, ठीक है, तब क्या होगा। तो देखो अगर इंडिया के बाहर इलाज होता है तो दो प्रकार, तो खर्चों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला खर्चा बात करते हैं ट्रीटमेंट और लॉजिंग का खर्चा, मतलब वहाँ पर रहने का खर्चा, ट्रीटमेंट मतलब वहाँ पर जाकर इलाज कराने का खर्चा, प्लस लॉजिंग मतलब वहाँ पर रहने का खर्चा, भाई कोई तो आपके साथ जाएगा, दोनों का मिला के ना, जो पेशेंट है उसका खर्चा ट्रीटमेंट का, और वहाँ रहोगे पेशेंट रहेगा और आप रहोगे, मतलब साथ में कोई जाके अगर रहेगा तो उसके लॉजिंग का खर्चा, लॉजिंग का खर्चा सीधी सी बात है कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर ही दे रहा है, कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर ही दे रहा, तभी तो आप नहीं दे रहे हो, एम्प्लॉयर ही दे रहा है, एम्प्लॉयर ही अगर दे रहा है तो कितना टैक्स फ्री होता है, कितना टैक्सेबल होता है, नॉट टैक्सेबल मीन्स टैक्स फ्री अप टू आरबीआई लिमिट। सर ये क्या है, देखो क्या होगा जब आप ना, ये आउटसाइड इंडिया वाला क्या होता है, आरबीआई लिमिट सेट कर देता है, जब आप इंडिया से बाहर लेकर जा रहे हो, ट्रीटमेंट करा के आओगे, लॉजिंग वहाँ रहोगे, जो भी खर्चा बनेगा एम्प्लॉयर पेड करेगा, तो कितना टैक्स फ्री होगा, कितना टैक्स नहीं लगेगा, कितने टैक्स नहीं लगेगा, जितना आरबीआई लिमिट डिक्लेयर कर देगा, वो मुंह देख के डिक्लेयर करेगा, यहाँ देख ताक के डिक्लेयर करने वाली बात है, जितना आरबीआई लिमिट डिक्लेयर करेगा उतना टैक्सेबल नहीं होगा, बाकी पे टैक्सेबल हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब मान लो, जैसे मान लो 5 लाख रुपए खर्चा हुआ है ट्रीटमेंट और लॉजिंग पे, ट्रीटमेंट एंड लॉजिंग पे खर्चा हुआ 5 लाख रुपए का, एम्प्लॉयर ने बिल पेड किया कितना, 5 लाख रुपए किया, अब आरबीआई बोला ठीक है, आरबीआई ने लिमिट बोल दिया कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2 लाख पे क्या लग जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा,
आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। या मान लीजिए अगर वहां पे खर्चा होता है, असल में खर्चा हुआ मान लो 2.5 लाख और आरबीआई ने कितना लिमिट सेट किया था 3 लाख, मतलब 3 लाख के अंदर ही है, तो फिर 2.5 लाख क्या हो जाएगा? ठीक है भाई 2.5 लाख तक पूरा, क्योंकि भाई 3 लाख तक लिमिट है, टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो 3 लाख के अंदर ही है ना 2.5 लाख, तो फिर बाकी कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा? नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये होता है आरबीआई का लिमिट सेट करना, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अच्छा अब दूसरा होता है कि भाई आप जाओगे तो कैसे जाओगे, उड़ के ही तो जाओगे। लॉजिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो किस बात पे डिपेंड करता है ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? ये दो बात पे डिपेंड करता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, इस बात पे दो बात पे डिपेंड करता है। आप क्या देखोगे मालूम है? एम्प्लॉय की औकात देखोगे कि एम्प्लॉय कैसा एम्प्लॉय, उसको पैसे कितना मिल रहा है। अगर मान लो अगर एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम, मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुल मिला के उसके साल भर का इनकम 5/8 होता है ना, साल भर के इनकम के 5/8 होते हैं सैलरी। कोई भी बंदा कहाँ से कमाता है? सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, कैपिटल गेन से, एंड अदर सोर्सेज से, सब मिलाकर उसका क्या देखोगे आप? उसका इनकम देखोगे, ग्रॉस टोटल इनकम कितना है। अगर ग्रॉस टोटल इनकम लेस देन टू लैख एंड अप टू टू लैख, मतलब 10 लाख है, 2 लाख है, 2 लाख से 2 लाख तक है, अगर 2 लाख है 2 लाख तक है, तो 100% टैक्स फ्री हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बात समझ, मतलब इम्प्लॉई गरीब है बेचारा, देखो ना 2 लाख से, मतलब कुल मिला के साल भर का 2 लाख या 2 लाख से कम कमाता है, गरीब इम्प्लॉई है, मत लगाओ टैक्स, काहे लगा रहे, काहे मार रहे हो बेचारे को, ठीक है। लेकिन अगर उसका ग्रॉस टोटल इनकम मोर देन 2 लाख से ऊपर हो जाता है अगर उस बंदे का ग्रॉस टोटल इनकम, तो क्या हो जाता है? 100% जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा उसका एम्प्लॉयर दिया रहेगा ना, फैसिलिटी दिया रहेगा, वो फैसिलिटी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। जितना खर्चा, जितना बिल दिया होगा ट्रैवलिंग का, टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? कितना ना इंसाफी कर रहा है यार, 2 लाख अमाउंट रखे, हद कर दिए, 15-20 साल से वही रूल चला रहे हो, 2 लाख अमाउंट रखे, अभी तक देखो कुछ चेंज ही नहीं करे, है ना। चलो ठीक है भाई, सरकार जो बोले वही सही है, ठीक। तो समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? ऐसे तो सभी का निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी इम्प्लॉय का 2 लाख से ऊपर साल का सैलरी तो निकल ही जाता है मैक्सिमम लोगों का। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशन फैसिलिटी, मतलब ऐसी फैसिलिटी कि मान लीजिए इम्प्लॉयर, सबसे पहले देखेंगे इफ इम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ स्कूल और कॉलेज, मतलब क्या था कि अगर ये स्कूल या कॉलेज है, मान लीजिए स्कूल है आपका, स्कूल है या फिर क्या है, कॉलेज है, ठीक है, स्कूल या कॉलेज है, और इस स्कूल या कॉलेज का जो मालिक है इम्प्लॉयर है, स्कूल और कॉलेज का जो मालिक है वो कौन है भैया? इम्प्लॉयर स्कूल और कॉलेज का क्या है? मालिक है। और वो अपने इम्प्लॉय को बोलता है, वो अपने इम्प्लॉय को बोलता है कि भैया तेरे बाल बच्चे हैं, तेरा एजुकेशन बड़ा खर्चा हो जाता है, जा अपने बाल बच्चों को मेरे स्कूल में पढ़ा, कोई फीस वीस देने की जरूरत नहीं है। मतलब उसको क्या कर रहा है, उसके फैमिली मेम्बर को या उसके बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या होगा टैक्सेबल वैल्यू, वो अपन सीखते हैं। नंबर ए, सबसे पहला ये है कि वो एजुकेशन की जो फैसिलिटी दे रहा है वो किसको दे रहा है। सबसे पहले तो ये देखो कि एजुकेशन की फैसिलिटी वो किसको दे रहा है। अगर वो एजुकेशन की फैसिलिटी उसके बच्चों को दे रहा है, किसको दे रहा है? उसके बच्चों को अगर क्या कर रहा है, दे रहा है, तब एजुकेशन का कॉस्ट क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? तो सुनो, नंबर एक, इफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अप टू 1000 रुपीज पर मंथ, अगर आप ये देखिएगा कि भाई एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, ये देखिएगा कि एम्प्लॉयर जो है उसको एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहा है, किसको दे रहा है? उसके बच्चों को क्या कर रहा है, एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहा है, और उस स्कूल और कॉलेज का मालिक कौन है भाई, उसका इंस्टीट्यूशन का मालिक कौन है? एम्प्लॉयर उसके इंस्टीट्यूशन का मालिक है। तो आप ये देखिएगा कि जितना उसको खर्चा, मतलब जो भी उसका खर्चा कर रहा है उसके एजुकेशन में, अपने उसके बच्चों के एजुकेशन में जो भी खर्च कर रहा है एम्प्लॉयर, जो भी खर्च कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है? अगर उसका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ₹1000 पर मंथ है या उससे क्या है, कम है, ₹1000 पर मंथ है तो क्या है, कम है, तो जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगी, जो भी एजुकेशन फैसिलिटी की जो टैक्सेबल वैल्यू होगी बच्चों, क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू नील होगी, क्या होगी, टैक्स फ्री हो जाएगी, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ₹1000 पर मंथ है या उससे कम है तो फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर उससे ऊपर है, अगर मान लो उससे ₹1 भी क्या हो गया, ऊपर हो गया, मान लो ₹1100 पर मंथ हो गया, या या फिर ₹1001 भी अगर उसका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तब 100% टैक्सेबल होता है। तब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर कैसे टैक्सेबल हो जाएगा? तब आप कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो इम्प्लॉयर दे रहा उसको नहीं देखोगे,
जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अगर इंप्लॉयर जो खर्च कर रहा है, मान लो इंप्लॉयर इस पे खर्च कर रहा था साल भर का, मान लो 15,000 रुपए खर्च कर रहा था, साल भर का कितना खर्च कर रहा है 15,000, देख लो 1,000 रुपए पर मंथ से ऊपर हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। और खर्चा कौन कर रहा है, इंप्लॉयर अपने जेब से खर्चा कर रहा है, उसके एजुकेशन पे कितना 15,000 खर्च कर रहा है, तो 15,000 टैक्सेबल नहीं होगा। तब क्या करेंगे, देखो इसमें लोचा है, बड़ा पंचायत है, क्या पंचायत है कि 15,000 टैक्सेबल नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, उसी के लेवल का कोई स्कूल देखोगे, कोई सिमिलर स्कूल देखोगे, उसी के लेवल का कोई सिमिलर स्कूल देखोगे, इसी के लेवल का जो स्कूल है, एम्प्लॉयर का स्कूल है, उसी के लेवल का कोई स्कूल देखोगे और देखोगे उस स्कूल में कितना फीस चार्ज किया जाता है, वहां पर कितना फीस चार्ज किया जाता है साल भर का। पता चला कि वहां पे साल भर का कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है, सपोज वहां पर मान लीजिए 16,000 रुपए है, तो 16,000 रुपए टैक्सेबल होगा, क्या होगा 16,000 रुपए टैक्सेबल होगा। आप बोलोगे सर अगर कम हुआ तो, कोई बात नहीं 10,000 होगा तो 10,000 रुपए क्या होगा टैक्सेबल होगा, मतलब दूसरे को झांकना है। क्या बोला मैंने, अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 10,000 रुपए या उससे कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एम्प्लॉयर जो भी फैसिलिटी दे रहा है, उस फैसिलिटी का वैल्यू 1,000 रुपए पर मंथ से ऊपर हुआ तो 100% टैक्सेबल हो जाएगा, कोई 1,000 रुपए वाला छूट नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और क्या कितना टैक्सेबल होगा, जो एम्प्लॉयर जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, जो एम्प्लॉयर की तरफ से कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की फैसिलिटी दी जा रही है, जितने रुपए की एम्प्लॉयर की तरफ से जो एजुकेशन की फैसिलिटी दी जा रही है, वो बच्चों टैक्सेबल नहीं होगा। उसी के सिमिलर कोई स्कूल देखोगे और फिर उसको क्या करोगे, टैक्सेबल करोगे। मतलब मान लो एम्प्लॉयर जो आपका एम्प्लॉयर है वो भारत माता स्कूल का मालिक है, तो जो भारत माता स्कूल का मालिक है मान लो, और भारत माता में एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहा है, तो भारत माता में एजुकेशन की फैसिलिटी का वैल्यू 15,000 रुपये साल भर का, तो 15,000 टैक्सेबल नहीं होगा। उसके सिमिलर स्कूल देखेंगे, मान लो उसका सिमिलर स्कूल सेंट जोसेफ है, तो अपन देखेंगे सेंट जोसेफ कितना चार्ज करता है, पता चला सेंट जोसेफ वहाँ पे 16,000 चार्ज कर रहा है, तो फिर 16,000 रुपये टैक्सेबल होगा। 16,000 को आप क्या करोगे, क्वेश्चन में जोड़ोगे, आई बात समझ में, 15,000 को नहीं जोड़ोगे, 16,000 को जोड़ोगे। और सर अगर कम हुआ तो, मान लो अगर वहाँ पे 1,000 रुपये भी चार्ज करता होगा, या मान लो वहाँ पर 5,000 रुपये भी चार्ज करता होगा सिमिलर स्कूल, तो फिर 5,000 ही टैक्सेबल वैल्यू होगी, आई बात समझ में, सिमिलर को देखेंगे। ओके चलिए ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर एम्प्लॉयर स्कूल का मालिक नहीं हुआ तो, ऐसा भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर स्कूल का मालिक नहीं है, अपने एम्प्लॉय को बोला जा फलाने स्कूल में पढ़ा, वो मालिक नहीं है, वो बोला जाओ वो फलाने स्कूल में पढ़ा लो, जो भी फीस होगा मैं पे करूंगा। तो मैंने कल के क्लास में क्या सिखाया था कि कोई भी एहसान अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करता है, मतलब उसके बच्चे का स्कूल का फीस भी दे रहा है, तो फिर 100% टैक्सेबल हो जाता है, जितना फीस देगा उतना टैक्सेबल होगा, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। ओके यहाँ पे तो एम्प्लॉयर अपना मालिक है, तो एम्प्लॉयर को अपने जेब से थोड़ी ना खर्चा कर रहा भाई, वो तो बोल रहा जाओ पढ़ाओ, तो फिर वहाँ पे अपन कॉस्ट देखेंगे एजुकेशन का। और अगर बेचारा एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को बोल रहा है कि जॉब फलाने स्कूल पढ़ाओ, उसका मालिक नहीं हो, जॉब फलाने स्कूल में आप पढ़ाइए और जो भी खर्चा होता है दीजिए, सॉरी जो भी खर्चा होगा मुझे बताइए, और एम्प्लॉयर अपने जेब से दे रहा है, तो फिर जितना देगा फीस भरेगा, सारा खर्चा सारा का जो भी खर्चा एम्प्लॉयर देगा वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मान लो, ओके ठीक है, यहीं तक तो था हाँ। और अगर कोई अदर फैमिली मेम्बर्स है, अदर कोई भी फैमिली मेम्बर्स है, जितना कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होता है उतना टैक्सेबल होगा। अगर कोई अदर फैमिली मेम्बर्स है, ये तो चिल्ड्रन के लिए था, अगर कंडीशन नंबर वो बोलता है एजुकेशन की फैसिलिटी दी जा रही है, किसको दी जा रही है, अदर फैमिली मेम्बर्स को दी जा रही है, कोई भी मेम्बर्स को दी जा रही है, तो फिर जितना रुपये कॉस्ट होगा एजुकेशन का, उसमें फिर 1,000 वाला रूल नहीं है, ये वाला रूल नहीं है, सीधा जितना कॉस्ट बनेगा एजुकेशन का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जो भी मेंबर्स है, जो भी कॉस्ट बनेगा, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 100% टैक्सेबल, जितना देगा एम्प्लॉयर, सिमिलर स्कूल नहीं देखोगे, जितना एम्प्लॉयर देगा 100% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक, समझ गए, ओके ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप एजुकेशन फैसिलिटी को क्या हो गए समझ गए हो गए, ठीक है। चलिए अब हम मिटा देते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो लगभग हमारा सारा रूल खत्म हो गया, अब लास्ट रूल है एंड दैट इज योर प्रोविडेंट फंड। क्या बात करेंगे आज हम लोग, प्रोविडेंट फंड, क्या बोलेंगे, प्रोविडेंट फंड डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रोविडेंट फंड। सर क्या होता है ये प्रोविडेंट फंड, क्या है ये प्रोविडेंट फंड, देखो क्या होता है, एक एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर को पूरा 100% समय दे रहा है। यार प्रोविडेंट फंड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर तो ज़्यादा अच्छा होगा,
अभी बहुत पढ़ लिए है ना, क्योंकि फिर प्रोविडेंट फंड थोड़ा सा फ्रेश माइंड से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो एक काम करते हैं, यहीं अपन कंप्लीट करते हैं, फ्रेश माइंड से बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे, जितना यार हम लोग का कैपेसिटी उतना ही पढ़ो ज़्यादा अच्छा है। हम एक काम करेंगे, प्रोविडेंट फंड कल के क्लास में डिस्कस करेंगे और एक आध उसका क्वेश्चन भी देख लेंगे छोटा मोटा, ठीक है। तो फिलहाल यहीं अपन क्लास को ब्रेक लगाते हैं, जितना हमने रूल्स पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करिए, दिमाग में बैठाइए, फिर अपन क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर लेंगे, लगभग कल से या परसों से हम लोग स्टार्ट कर ही लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय।